हेलो एवरीवन, सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और फटाफट से बनने वाली ये मिठाई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और रक्षाबंधन आने वाली है। आप लोग इसे 5 मिनट में बना करके तैयार कर लीजिएगा और कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है कि ये नारियल पाउडर से बना हुआ मिठाई है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक बड़ा सा बाउल और उसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच घर की मलाई, जो हम घर में दूध बॉईल करते हैं उसमें जो मलाई पड़ जाती है ऊपर में, ये वही वाली मलाई है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, 5 से 6 चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। याद रखना है कि मिल्क पाउडर भी हमें इसमें डालना है, इसलिए हमें चीनी की मात्रा थोड़ा कम ही रखेंगे। यहाँ हमने चीनी मिला दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई और चीनी को हम करीब 3 मिनट तक इस तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की हेल्प से, और जब चीनी घुल जाए तब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी मिल्क पाउडर का यूज किया है, करीब ये 5 से 6 चम्मच होंगे, और उसे भी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे मलाई और चीनी के साथ। देख सकते हैं कितनी आसानी से ये अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, बिल्कुल मावा के टेक्सचर की तरह ये बन गए हैं। हमें बिना मावा के ही मिठाई बनानी है, तो इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से मावा बन करके तैयार हो गई है। 2 से 3 मिनट हमें लगे हैं मलाई और दूध चीनी को इस तरह से मिक्स करते हुए। यहाँ देख सकते हैं कि सारी चीजें हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, हमारा स्मूथ फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे, करीब 1/2 चम्मच। अगर आपके पास रोज वाटर है तब आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालने के बाद इसमें हम थोड़े से डालेंगे फूड कलर, साथ ही साथ डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। करीब 1/2 चम्मच हमने इसमें फूड कलर डाल दिया है, आप जो भी कलर का आपके पास है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, और बिना फूड कलर के भी आप इसे बना सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं कोकोनट पाउडर, ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, बाजार में आसानी से ये मिल जाते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें लगेगा कि मिश्रण थोड़ा गीला है और भी कोकोनट पाउडर इसमें हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने चम्मच से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ को मैंने साफ कर लिया अच्छे से और अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये मुट्ठी में जब बनने लगे तो समझिए कि हमारा मिठाई बन करके तैयार है। तो इसी तरह से हमें टेक्सचर, अब हम इसे छोटे छोटे पेड़े के आकार का लेंगे और इसे हम लंबे लंबे साइज में इस तरह से चिकने कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि थोड़े से हमने इस तरह से हाथों में ले लिया है और इसे मुट्ठी बंद करके थोड़ा सा हम इसे लंबे लंबे साइज का करेंगे और उसके बाद हम इसे चिकना कर लेंगे। हाँ, आप चाहे तो कोई भी शेप में इसे बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जिस शेप में बना रही हूँ आप उसी शेप में बनाएं, आप इसे पेड़े के आकार का भी दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने मिठाई बना करके तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और उसे हम इसमें डिप कर देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से कोकोनट पाउडर में डिप कर दिया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल के ये मिठाई लग रहे हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक बना करके तैयार कर लिया है, इसी तरह से हमें बाकी की जो मिठाई है वो भी इसे तैयार कर लेना है। तो सारी मिठाई हमारे बन करके तैयार है सर्व करने के लिए, आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए, बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।